आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। रक्तदान हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होता है और इससे एक व्यक्ति की जान भी बच सकती है। रक्तदान स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। कुछ व्यक्ति होते हैं जो रक्तदान देने से डरते हैं, इसलिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं जिससे लोग जागरूक होकर रक्तदान करते हैं। इसी तारतम्य में आज झाबुआ जिले के मेघनगर के दशहरा मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा भारती खंड मेघनगर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान में कम से कम 50 लोगों के रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें खबर लिखे जाने तक 22 लोगों ने रक्तदान कर दिया। इस शिविर के माध्यम से सेवा भारती द्वारा लोगों को प्रेरणा दी जा रही है और रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अवसर पर खंड सेवा प्रमुख विक्की जी हाड़ा, जिला सेवा प्रमुख चिंतन जी माली, सेवा भारती प्रमुख राम सिंह जी निनामा, जिला सेवा योजना प्रमुख अवधेश जी, रोहित जी देवाना, नगर प्रमुख सचिन जी प्रजापत, पीयूष जी, यशवंत जी देवाना, अर्जुन जी डामोर, बच्चू जी डामोर, उदित शर्मा आदि उपस्थित थे। मेघनगर से संदीप खत्री की रिपोर्ट। सेवा भारती खंड मेघनगर के द्वारा रक्तदान शिविर रखा गया। इसमें सबसे ज़्यादा पहली बार रक्तदान करने वाली संख्या कितने लोग पहुँचे हैं अभी आज और क्या लगता है? अभी संख्या जिले के स्वास्थ्य ब्लड की बहुत आवश्यकता होती है, जिसको देखते हुए यहाँ पे प्रथम बार रक्त देने वालों का आयोजन रखा गया है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारा टारगेट है, अभी 20 यूनिट हो गई है, 50 यूनिट का टारगेट है हमारा। क्या संदेश समाज के लिए, कोई संदेश है आज? समाज के लिए संदेश है कि जनजाति समाज यहाँ पे जो है अभी हमारा, उनको समरसता के भाव से कि हम भी दे सकते हैं तो वो भी इस रक्त को दे सकते हैं। मैं सभी से यही आह्वान करना चाहता हूँ कि ये तो सेवा भारती के माध्यम से रक्तदान का आयोजन रखा है। मैं चाहता हूँ कि जो भी इस तरह की संस्थाएँ हैं, क्योंकि रक्तदान आज की तारीख में सबसे बड़ा दान है, क्या कर सकता है। और हम आगे जैसे भी डेंगू का टेस्ट की जरूरत है, कहीं अगर ऐसा